नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, बिहार डीएलएड का 2024 का एग्जाम चल रहा है और बहुत सारे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 5 लाख से ज्यादा यानी 6 लाख लगभग लोग इस फॉर्म को भरे हैं, लेकिन उतने ज्यादा लोग एग्जाम को दे नहीं रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग एग्जाम को दे रहे हैं उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग का बयान हम देख रहे हैं ऐसा आ रहा है कि एग्जाम तो अच्छा गया है लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि वो कैसा माइंडसेट बना करके गए थे और उनका एग्जाम कितना अच्छा गया और कैसे उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका क्या तात्पर्य है, ये आप लोग थोड़ा डिफाइन इसको कर सकते हैं। और आप लोग भी इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि एग्जाम आखिर कैसा लिया जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या आपको टाइम का भी कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि पर्याप्त समय आपके डीएलएड में दिया गया है। डीएलएड का जो एग्जाम है उसमें अच्छा का समय आपको मिला है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का भी संग्रह होगा, क्योंकि 10th लेवल का लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा और उतना ही आसान आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन क्या समय मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और कितना ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने, वो मैथ का भी हो सकता है, रीजनिंग का भी हो सकता है, कि वो आपका टाइम को किल कर रहा है। होता है ना कि आपका बहुत समय बर्बाद कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मेरा समय को बर्बाद किया जा रहा है। मतलब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपका खींच लिया जाता है और आपको तब समझ में आता है इस क्वेश्चन को दिया ही इसलिए गया है क्योंकि हम अपना समय बर्बाद कर पाए और अदर क्वेश्चन जो ईजी भी है उसको हम बना नहीं पाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपका समय को बस बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया होता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करिएगा और जो आसान आसान क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं उसको सबसे पहले बनाने का प्रयास करिएगा। और कुछ लोग का कमेंट ये भी था, कुछ लड़कियों का था, कुछ लड़के का भी था मेरे व्हाट्सएप पे, कि ऑनलाइन एग्जाम लेने के कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है और कैसे उसको हम टिक लगाएं कितना सही है। तो ये सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं, जो भी आगे एग्जाम देंगे लोग, वो आप अपने कंट्रोलर से जो वहाँ पे मौजूद होंगे उनसे सब चीज़ आप पूछ लीजिए, टोटल चीज़ पूछिए कि क्या क्या हमको करना है, कैसे हम टिक लगाएंगे क्वेश्चन पे, कैसे स्किप करेंगे क्वेश्चन को, हम अगर क्वेश्चन को इसको बाद में बनाना चाहते हैं तो क्या क्या हमको करना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन को साइड कर सकते हैं और अदर क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, और सबसे बाद में जब टाइम खत्म होने लगेगा, अंतिम समय रहेगा, उस टाइम में हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर कम से कम हम तुक्का भी लगा पाएंगे, वो भी चीज़ जरूर पूछ लीजिएगा अपने अगल बगल वाले से। और आधार कार्ड वगैरह तो आप लेकर के जाते ही होंगे, एडमिट कार्ड आधार कार्ड आपके पास रहेगा, पहचान आईडी, तो वो सब आपके लिए जरूरी होगा और ये सब पूछने वाला बात भी आपके लिए जरूरी होगा। और आपको ये क्लास भी बहुत फायदा किया है, अगर आप लोग फिर से एग्जाम देने, मतलब आपका जो जिसका भी आगे एग्जाम है वो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। जो क्लास आपका दिया गया टेलीग्राम का 3500 रुपये का, जहाँ पे 1800 प्लस क्वेश्चन था, उसे आप अभी भी जुड़ सकते हैं अगर आपका एग्जाम बाकी है तो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि आ रहा है, जीके जीएस का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, चाहे आपका हिंदी का ही हो गया, तो आप अभी भी उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपका दे दिए हैं, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जाके। और जितना भी आप प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं कि डीएलएड में हम पास नहीं करेंगे, आपको पता है कि आपका कॉलेज का संख्या इस समय लिमिट किया गया है, कॉलेज का संख्या भी लिमिट है और सीट का संख्या भी लिमिट है। आपको बता दें कि 30,750 सीटों पर नामांकन आयोजित होगा, ठीक है, 30,750 सीट ही लिमिट है। अब विद्यार्थी चाहे 5 लाख है 6 लाख है उससे फर्क नहीं पड़ता, इतना ही विद्यार्थी का इस साल एडमिशन हो पाएगा, बाकी फिर अगले साल के लिए रखे जाएंगे। और आपको बता दें कि 306 डीएड कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे अभ्यर्थी, यानी 306 कॉलेज ऐसा होगा जहां पे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब किस कॉलेज में आपका नाम आता है, कितना नंबर आपका आता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक कट ऑफ का ही वीडियो आना चाहिए बिहार डीएड के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा। तो डीएड का जो एग्जाम हो रहा है, कितना कट ऑफ जा सकता है और कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ये सब पर भी हम चर्चा करेंगे, बशर्ते कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देते हैं। बाकी सब चीज़ तो आपके सामने हो ही रहा और आप इसके लिए तैयार भी थे, आपको सब चीज़ हम बता चुके थे, क्या सिलेबस है, क्या कैसे एग्जाम होगा, कितना टफ रहेगा, कितना आसान रहेगा, सब चीज़ आपको हम बताए थे। और बाकी आपको बस अपने मनोबल से तैयार रहना है। और अगर बहुत ज़्यादा आप में कन्फ्यूजन बन रहा है, होता है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसा है, चाहे तैयारी बिल्कुल नहीं किए थे, तो ये मेरा तुक्का वाला वीडियो था, ठीक है, तुक्का कैसे लगाना है। कितने लोग इसको देख चुके हैं, 30 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं, मतलब 3 मिलियन। तो ऐसे ही नहीं, उसमें कुछ रियलिटी है ना, कुछ रहस्य है उसमें, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, आपका थोड़ा सा माइंड हल्का होगा और आप भी थोड़ा सा मतलब फ्री महसूस कर पाएंगे कि चलो कुछ तो मेरा कन्फ्यूजन दूर हुआ है। आप उसको देख सकते हैं जाकर के,
वो आपका तुक्का कैसे लगाए का वीडियो है, वो मेरे चैनल पर है। आप अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप YouTube पे जा करके सर्च पे जा करके लिखिए कि तुक्का कैसे लगाएं बाय आनंद सर, तुक्का कैसे लगाएं बाय आनंद सर, आप उसको देखिए, आपका बहुत डाउट दूर होगा और एग्जाम में हो सकता है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपका सही हो ही जाएगा, ठीक है। और क्लास से भी जुड़ जाइए, कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, तो और बेहतरीन ढंग से आपको हो सकता है कि क्वेश्चन सही हो जाए। 35 रुपया क्लास है मात्र, कोई दिक्कत नहीं है, 2500 लोग जुड़ भी चुके थे, तो ये सब चीज़ था। और बाकी आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, बस आप लोग का तैयारी में दिक्कत हो सकता है, कुछ लोग तैयारी नहीं किए होंगे, कुछ लोग का मतलब क्वेश्चन वो नहीं पढ़े होंगे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, हिंदी पर ज़्यादा पकड़ नहीं बनाए होंगे, मैथ पर ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाए होंगे, तो इस तरह से आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट गड़बड़ा रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि अगर हम तैयारी करते पढ़ते ढंग से चैप्टर वाइज हम अगर तैयारी करते तो कुछ अच्छा मेरे से क्वेश्चन बन सकता था और तैयारी भी मेरा बेस्ट हो सकता था। तो जितने भी लोग बिहार डीएड का एग्ज़ाम दे दिए हैं वो तो ये सुकून करें कि कट ऑफ आपका आसान जाए, अच्छा जाए, अच्छा सा आपका एग्ज़ाम गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अपने तैयारी के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर ले, मेरे क्लास को भी देख सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। बाकी तुक्का वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपका हेल्प होगा। और थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, जो आप पढ़े हैं उसको और भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है, आपके हाथ में बस मेहनत करना है, रिजल्ट बनाना तो आपके कंट्रोलर के हाथ में है, वो कैसा रिजल्ट बनाता है, कितना कट ऑफ ले जाता है और कितना टफ ये कंपटीशन कर पाता है वो तो आगे पता चलेगा ही। बाकी आप लोग इसके बाद जो है अभी सफ़र शुरू हुआ है आप लोग का, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब आप लोग का सफ़र शुरू होगा और 2 साल तक चलेगा, फिर उसके बाद आप लोग बहुत सारा चीज़ क्वालिफाई करेंगे, फिर UPSC के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगा। तो घबराना नहीं है, थकना नहीं है, बस टिके रहना है। और जिनको भी लगता है कि मेरा इस बार नहीं निकल पाएगा DLED, ऐसा नहीं है कि आप लोग का रास्ता ख़त्म हो गया है, इसमें बहुत एज वाले लोग भी आपको दिख रहे होंगे DLED का एग्ज़ाम देते हुए, बहुत अधिक जिनका एज होगा आपसे डबल ट्रिपल भी होंगे, वो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपके बगल में ही बैठ के दे रहे होंगे, तो वो हिम्मत अगर हार जाते तो आपके सामने बैठे हुए नहीं रहते। अगर इस साल आपको लगता है कि नहीं होगा तो फिर अगले साल ट्राई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना तैयारी कर लेना है कि अगले साल हमको सरकारी कॉलेज मिल ही जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फिर ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और हिम्मत नहीं हारना है, इस बार भी एग्ज़ाम को अच्छे से देना है, और अगर तैयारी फिर से करना पड़ेगा अगले बार भी हम तैयारी बेहतर करेंगे ताकि हम DLED में एडमिशन लेंगे और आगे चल के हम टीचर बनेंगे, है ना। तो आप जहाँ से भी एग्ज़ाम को देने जा रहे होंगे अच्छे से जाइएगा, गार्जियन को साथ लेकर के जाइएगा, क्योंकि बैग वगैरह जमा करवा लेता है, कुछ गुम ना हो जाए इसके कारण, प्रूफ आइडेंटिटी जो भी होगा आपके पास ले लीजिएगा, फ़ोटो भी अगर ज़रूरत पड़े ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, सही ढंग से सेंटर पे पहुंच जाइए, फर्स्ट सीटिंग है, सेकंड सीटिंग है, थोड़ा देर पहले पहुंच जाइए, अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम को समझिए, कुछ लोग से बात करिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आपको दिक्कत आ रहा है, ये मत पूछिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उससे आप घबरा जाएंगे, दिक्कत कहाँ कहाँ आ रहा है ये पूछ लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप उसमें अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मतलब सही ढंग से सब कुछ समझ में आया होगा, और कुछ कमेंट है आपका, कुछ डाउट है नीचे कमेंट करिए। बाकी आप लोग एग्ज़ाम जब दे के आइएगा तो ज़रूर बताइएगा कैसा गया एग्ज़ाम और क्या उसमें दिक्कत आप लोग को आया, क्योंकि दिक्कत का जब पता चलता है तो समाधान भी उसका हो जाता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।